व्हाट्सअप गाइस, दिस इज रेमो। आज मैं आपके लिए बिल्कुल ही यूनिक बिजनेस आइडियाज पकड़ के लेकर आया हूँ। इस लिस्ट में ऐसे बिजनेस बिल्कुल भी नहीं होंगे कि ट्रांसपोर्ट का खुद का बिजनेस खोल लो या रेस्टोरेंट खोल लो खुद का। ये सारे बिजनेस हर लोग को पता होता है जनरली। इस लिस्ट में सारे बिजनेस या स्टार्टअप वो होंगे जिनकी अभी इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा नीड है और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी है। और सबसे मेन पॉइंट, लो इन्वेस्टमेंट में भी ये बिजनेस कर सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस लिस्ट के 7th नंबर में मैंने रखा है C2C प्रोडक्ट डिलीवरी सर्विस बिजनेस को। अब ऐसी बात नहीं कि प्रोडक्ट डिलीवरी बिजनेस को यूनिक बिजनेस है मार्केट में। ज्यादातर ई कॉमर्स बिजनेस जैसे कि अमेजोन हो गई या फ्लिपकार्ट वगैरह हो गई या कोई भी दूसरे B2C ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई या हायर कर लेते डिलीवरी कंपनीज को जैसे कि ई-कार्ट हो गई या डिलीवरी अपने आइटम्स को डिलीवर करने के लिए। पर जो अब ट्रेंड में आ रही है, कहूँ की जो अपॉर्चुनिटी आ रही है अब, वो है C2C मार्केट में। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे कि C2C बिजनेस में OLX हो गया, जिन्हें काम होता है खाली बायर और सेलर को मिलाना, और अगर डील हो जाती है इन दोनों के बीच में तो फिर उन्हें वो खुद प्रोडक्ट को या आइटम को लेके जाना होता है। अब वो मिलने के लिए कहाँ बोले वो सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब प्रॉब्लम तब आ जाती है जब बायर और सेलर 5-10 किलोमीटर दूर हो या इससे भी ज्यादा दूर हो। अब बंदा कहाँ कहाँ लेके घूमेगा उस प्रोडक्ट को। तो यही प्रॉब्लम को अब अपॉर्चुनिटीज में बदल रहे हैं दूसरे कंट्रीज के एंटरप्रेन्योर्स। ज्यादातर चाइना में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं इस टाइप के बिजनेस। आपको पता होगा अलीबाबा के बारे में। अलीबाबा के अंदर एक और कंपनी आती है ताओबाओ, जो कि सेम OLX और eBay की तरह डील करती है और चाइना की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट भी यही है। तो यहाँ पर चेन्नई के कई एंटरप्रेन्योर्स ने इसी लूपहोल का एक अपॉर्चुनिटी बदल दिया है। और रिसेंट ईयर से ये C2C मार्केट में डिलीवरी सर्विस का बिजनेस बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है और इंडियन मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी इस फील्ड में। अभी इंडिया में ना के बराबर ऐसी डिलीवरी सर्विस बिजनेस है जो C2C फील्ड में बिजनेस करते हैं। तो इट्स अ ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अभी आगे चलते अपने 6th नंबर के बिजनेस आइडिया की तरफ। आपको पता होगा कि हर दिन बहुत सारा खाना वेस्ट होता है रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में या कैफेज वगैरह में। कभी उतनी ज्यादा सेल्स नहीं हो पाती है और फिर वो खाना होटल्स वालों को या तो लास्ट में फेंकना पड़ जाता है या फिर अपने एम्प्लॉयज को देना पड़ जाता है। अल्टीमेटली खाना वेस्ट हो जाता है और इसकी वजह से होटल्स वालों को हर दिन भारी लॉसेस उठाने पड़ जाते हैं। और यही एक मेन रीजन भी है कि ज्यादातर 90% रेस्टोरेंट्स पहले एक साल में बंद हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम इंडिया में नहीं बल्कि कई देशों में है, जहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज के रेस्टोरेंट सबसे ऊपर है इसमें। पर यहाँ पर अब स्टार्टअप से बिजनेस आ रहे हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर, जहाँ पर अगर किसी होटल या कैफे वालों का खाना बच जाता है या जो खाना बिका नहीं होता है उसे वो लिस्ट कर सकते हैं उनके ऐप में और वो उसे ऑनलाइन बेचेंगे और वो भी 50% डिस्काउंट में। ऑब्वियसली बात है तभी कस्टमर लेगा, वरना वो दूसरे फूड डिलीवरी सर्विस ऐप को यूज कर लेगा। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वालों को खाना भी बिक जाता है। अब वेस्ट होने से अच्छा है कि उससे थोड़ा कुछ पैसे मिल जाए, तो यहाँ पर ये अच्छी बात है। फिर जिनका वो प्लेटफॉर्म है या ऐप है उन्हें भी 5-10% कमीशन मिल जाता है बीच का, और फिर कस्टमर को भी सस्ते में खाना मिल रहा है। तो एक तरह से विन विन सिचुएशन हो जाती है हर किसी के लिए। इस बिजनेस आइडिया को मैंने इस लिस्ट में इसलिए भी रखा है क्योंकि इस तरह के बिजनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया के होटल्स को और रेस्टोरेंट्स को, और बल्कि हर कंट्रीज को है। तो अभी आगे बढ़ते फटाफट अपने 5th नंबर के बिजनेस आइडिया की तरफ। ये एक हेल्थ केयर ATM बिजनेस है। ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही है रिसेंट ईयर्स में पूरे ग्लोबल मार्केट में। यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है रास्ते में, और ऊपर से ऐसी जगहों में जहाँ पर उसके आसपास कोई केमिस्ट स्टोर नहीं है या कोई डॉक्टर क्लिनिक वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर एक हेल्थ ATM प्रोवाइड करवाना है ऐसे लोगों के लिए। सेम जैसे ATM से आप पैसे निकाल पाते हो इजिली अगर आपको अपने आसपास कोई बैंक वगैरह नहीं दिख रहा है या आपको इमरजेंसी में पैसे चाहिए, तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि अगर किसी को हेडेक की मेडिसिन चाहिए या ग्लूकोज जैसे एनर्जी ड्रिंक चाहिए या कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड्स वगैरह में जहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं होता आसपास, तो यहाँ पर फर्स्ट एड भी मिल जाएगी। तो एक तरह से बेसिक हेल्थ केयर आपको ऑन डिमांड मिल जाएगा यहाँ पर। अच्छा, मेन मार्केट या कहूँ कि जहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रखा है इस तरह का बिजनेस, वो अभी चाइना में। चाइना में लगभग हर स्टेट में फैल चुके हैं इस तरह के बिजनेस। अब कैसे कर रहे हैं, मेरी टेक्नोलॉजी चाइना के एंटरप्रेन्योर्स की होगी और हार्डवेयर मेडिसिन सारी वहाँ की गवर्नमेंट की होगी। इंडियन मार्केट में मेरे ख्याल से बेंगलुरु में कुछ इस तरह के स्टार्टअप आ चुके हैं, पर इतने बड़े लेवल में अभी कोई सा भी नहीं है। इंडियन मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खाली पड़ी हुई अभी है। पर अगर चाइना ये टेक्नोलॉजी इंडियन मार्केट में एक बार लेकर एंटर हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको बॉयकॉट करना, इसलिए मैंने इस बिजनेस को इस लिस्ट में रखा है। तो अभी चलते अपने 4th नंबर के बिजनेस आइडिया की तरफ। ये एक पर्सनल शेफ का बिजनेस आइडिया है, जहाँ पर कोरोना की वजह से कई सारी जॉब चले गई, कई सारे बिजनेस या स्टार्टअप बंद हो गए, पर दूसरी तरफ कोरोना की वजह से कई एंटरप्रेन्योर्स को नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल गई। पूरी दुनिया भर में मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कई लोग खुश भी हैं इससे, पर प्रॉब्लम तब आ जाती है जब एम्प्लॉयज या कोई वर्कर अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता, तो उन्हें वहाँ पर खुद खाना बनाने की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। ज्यादातर एम्प्लॉयज पहले ऑफिस कैंटीन में खाना खा लिया करते थे या कहीं होटल्स वगैरह में खा लिया। तो अभी इंटरनेशनल मार्केट में जो सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है वो है पर्सनल शेफ का, जहाँ पर आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया कि जिनको खाना बनाना नहीं आता और उन्हें होममेड खाना भी चाहिए, तो उनकी लोकेशन में जो भी शेफ अवेलेबल होंगे उन्हें वो अपने घर में खाना बनाने के लिए बुला सकते हैं, एक या दो टाइम का खाना बनाने के लिए जो भी है। तो यहाँ पर शेफ की भी एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है। फिर एम्प्लॉयज हो या कोई कॉमन बंदा भी हो कि भाई आज कुछ अलग खाते हैं, रोचे खाने से बोर हो गए, तो वहाँ पर भी ये सर्विस को यूज कर सकते हैं। फिर जिनका ऐप या प्लेटफॉर्म है उन्हें भी यहाँ पर कुछ कमीशन मिल जाता है। तो यहाँ पर सबके लिए एकदम बढ़िया बात हो गई। जहां तक मैंने सर्च करी है ऐसी सर्विस अभी कोई सा बिजनेस नहीं दे रहा इंडियन मार्केट में, या कहूँ कि अभी ऐसे कोई रिकॉल ब्रांड नहीं आया अभी तक। तो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है मार्केट में और बहुत अच्छे लेवल में स्केल किया जा सकता है इस बिजनेस को।
यहाँ पर शायद आपको फंडिंग वगैरह की आपको ऐसा डाउट आ रहा होगा कि पैसा कहाँ से लाएंगे इसके लिए, तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने पूरी फंडिंग से रिलेटेड पूरी एक वीडियो बना रखी है कि आपकी जर्नी की शुरुआत से लेकर एक कंपनी बनाने तक के सफर तक आपकी कौन कौन हेल्प करेगा। तो इस वीडियो के बाद आराम से वीडियो को देख लेना, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर। तो अभी चलते अपने थर्ड नंबर के बिजनेस आइडिया की तरफ। ये एक स्मार्ट पार्किंग का बिजनेस आइडिया है। आज की डेट में चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा व्हीकल्स हैं और एक कॉमन प्रॉब्लम सभी को रहती है कि सही टाइम पर पार्किंग नहीं मिल पाती, या मिल भी जाती तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और क्लब्स, होटल या हॉस्पिटल वगैरह की आप पार्किंग देखोगे तो बहुत ज्यादा लूटते भी हैं। तो यहाँ पर कई यूनिक कंसेप्ट आ चुके हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। जैसे सेम आपको एयरबीएनबी में पता होगा कि आप अपने घर का रूम किसी बाहर वाले को रेंट पे दे सकते हो, सेम वैसे अब अमेरिकन कंट्रीज में बिजनेस आ गए हैं कि आप अपने घर की पार्किंग या अगर आपके घर के बाहर कोई खाली जगह पड़ी हुई है तो उसे भी आप पार्किंग के लिए दे सकते हैं दूसरे लोगों को 10 से 15 रुपए में एक घंटे का। और यहाँ पर फिर जिनके वो प्लेटफॉर्म है या ऐप होगा वो भी अपना वीजा कमीशन काट लेंगे, जैसे सेम एयरबीएनबी वर्क करता है वैसे ही। इस बिजनेस को मैंने इस लिस्ट में इसलिए भी रखा है क्योंकि आपको पता होगा एयरबीएनबी अपने शुरुआती टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था क्योंकि 2008 में बहुत खतरनाक क्राइसिस आए थे पूरे ग्लोबल मार्केट में, जैसे सेम आज कोरोना की वजह से आए, जिसकी वजह से लोगों की जॉब या बिजनेस वगैरह सब खत्म हो गई थी और उनको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत भी हो गई थी, इसलिए वो एयरबीएनबी का यूज करके अपने घरों के रूम्स को रेंट पे देकर अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे वहां से। तो वही सिचुएशन आज के टाइम में भी है। कोरोना के बाद भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है लोगों के लिए भी और जो ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐप प्रोवाइड करवा रहे हैं उनके लिए भी। अभी इंडियन मार्केट में होम पार्किंग कंसेप्ट आया नहीं है और बहुत बड़ी इस तरह के बिजनेस के अभी इंडियन मार्केट में भी, और साथ में ये बिजनेस एक अच्छे लेवल में तो स्केल किया जा सकता है और साथ में प्रॉफिटेबल तो है ही। तो अभी बढ़ते अपने सेकंड नंबर के बिजनेस आइडिया की तरफ। ये एक ह्यूज इंडस्ट्री होने वाली कुछ ही सालों में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रोन बिजनेस की। आज की डेट में हर जगह ड्रोन का यूज हो रहा है, चाहे बात हो फिर एग्रीकल्चर की। आज की डेट में फार्मर्स को खेतों में बार बार जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर क्रॉप्स को भी पानी देने में हेल्प आ जा रहे हैं आजकल ड्रोन्स, फिर वीडियोग्राफी या फिल्म मेकिंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं ड्रोन्स का, और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है अभी कुछ ही सालों बाद ड्रोन डिलीवरी की। फिर जो स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग होती है उनको साफ करने के लिए अब लोगों की नहीं बल्कि ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में अभी इस अपॉर्चुनिटी का बहुत ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। अगर आप ये चार्ट को देख पा रहे होंगे जो कि सर्वे किया था यूएसए की एक ड्रोन कंपनी ने कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया में अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खाली पड़ी हुई है, या कहूँ कि ड्रोन मार्केट अभी इंडिया में अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं निकली है। पर अगर आप सेम चाइना, अमेरिका या यूरोपियन कंट्री जैसे को देखोगे तो आप वहां पर आपको बहुत तेजी से ये इंडस्ट्री ग्रो होते हुए दिखेगी और बल्कि वो एक पोटेंशियल पे ले जा चुके हैं इस इंडस्ट्री को। तो इस इंडस्ट्री के मार्केट ग्रोथ देख के जो कि $50 बिलियन के इससे भी ज्यादा होने वाले कुछ ही सालों में, इसलिए इस बिजनेस को मैंने इस लिस्ट में रखा है। तो अभी बढ़ते अपने पहले नंबर के बिजनेस आइडिया की तरफ। एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बिजनेस आइडिया है। आपको पता हो कि आज की डेट में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा बढ़ गई है, चाहे बात हो फिर डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, एंजाइटी इशू और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनकी वजह से सुसाइड जैसे केसेस आते हैं लास्ट में। क्योंकि यहाँ पर लोग गर्दन के नीचे यानी बॉडी के लेवल के हेल्थ इशू डॉक्टर को दिखा पाते हैं पर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू लोग किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। कई लोगों को कई साल लग जाते हैं डिप्रेशन से बाहर निकलने में ही, और फिर अगर वो डॉक्टर को दिखाते भी लास्ट में तो वो हाई डोसेज की गोलियां पकड़ा देते हैं क्योंकि फिर एक लूप बन जाता है और फिर उसके ऊपर साइड इफेक्ट, तो कोई रिजल्ट नहीं होता उसका। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती जा रही है और हर इंसान अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो इससे प्रॉब्लम से गुजरा ही होता है। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री नेक्स्ट बिलियन या बल्कि ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री होने वाली है तो शायद मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँगा। अब यहाँ पर ग्लोबल लेवल में कई स्टार्टअप से बिजनेस आ चुके हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आ रखे हैं इंडिया या नेपाल जैसी कंट्रीज की हेल्प लेकर। एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ पर जिनको मेंटल हेल्थ इशू है वो कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ जो इस प्रॉब्लम से ऑलरेडी निकल चुके हैं या जिन्होंने इस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करा होगा। फिर एक्सपर्ट सब चीजों में भी हेल्प करेंगे, चाहे बात हो फिर डिप्रेशन की, इमोशनल सपोर्ट की ब्रेकअप के बाद या स्ट्रेस इशू में भी, फिर मेडिटेशन, योगा जैसी चीजें भी सिखाएंगे जो कि सब चीजें ऑलरेडी इंडिया जैसी कंट्रीज से ही निकली हुई हैं। तो इसलिए मैंने इस बिजनेस को इस लिस्ट में रखा है। अगर बाहरी कंट्रीज के एंटरप्रेन्योर्स इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं तो इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को तो उठाने चाहिए। तो यही तो कुछ बिजनेस आइडिया जिनकी अभी इंडिया में बहुत बड़ी नीड है या कहूँ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी इंडिया मार्केट में। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।